हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हीरो का प्रेशर कुकर लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम इस प्रेशर कुकर की बॉक्स की बाहरी लुक आपको दिखा देते हैं कि इस पर इन्होंने हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है और क्या क्या इसके बारे में हमें खूबियाँ बताई है। तो दोस्तों देखिए, इधर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है रीड इंस्ट्रक्शन बिफ़ोर यूज़, यानी कि सबसे पहले आप इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। तो इधर इन्होंने दिया है कि ये इंडक्शन मटकी, ये मटकी शेप का प्रेशर कुकर है और ये इंडक्शन पर भी काम करता है। तो नीचे इन्होंने 5 ईयर की वारंटी दी है और ये ISO द्वारा सर्टिफाइड है। और नीचे इन्होंने ये कुछ इसके पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि ये फास्ट कुकिंग करता है, एंटी स्लिपरी है, अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, सेव गैस अप टू 30%, यानी कि अगर आप गैस पर इससे कुकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी 30% तक गैस बचा सकता है। तो अब हम इसके ऊपर की और साइड की लुक आपको दिखा देते हैं। तो आप इसके ऊपर की लुक देख सकते हैं। तो अब हम इसकी साइड की लुक भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने इसके साइड पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी बॉडी, इसकी जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये हीरो मटकी बेस्ट क्वालिटी एल्युमिनियम, ये बेस्ट एल्युमिनियम की क्वालिटी का बना हुआ है और ये इसका लिड और इसकी बॉडी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और हाई प्रेशर के साथ ये काम करता है टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी, और इसमें पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। और जो सेकंड पॉइंट है, ISI सर्टिफाइड गास्केट, इसमें जो हमें गास्केट मिल रही है वो भी ISI द्वारा सर्टिफाइड है और ये अच्छी क्वालिटी की रबर की बनी हुई है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है और इसमें पूरा सफाई का भी ध्यान रखा गया है। और जो थर्ड पॉइंट है, यूज़र फ्रेंडली हैंडल, इसका हैंडल इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसे पकड़ने में आपको आसानी होगी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है थिक बेस, इसका जो बेस है वो थिक है, इसमें हीटिंग जल्दी हो जाती है और ये लॉन्ग लाइफ तक चलता है। इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है और जो इसकी MRP है, यहाँ पर इन्होंने 1299 रुपये लिखा है, लेकिन ये हमने 1000 रुपये में ख़रीदा है। और जो वारंटी है वो तो आपने देख ही ली कि इसमें हमें 5 साल की वारंटी मिल रही है। तो इधर इसकी दूसरी साइड में भी आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने वही 4 पॉइंट दी है कि इसमें फ़ास्ट कुकिंग होती है, ये एंटी स्लिपरी है और ये गैस 30% तक पहुँचाता है, इसमें थर्मल रिंग है और जो इसका बेस है उसमें ये इंडक्शन पर काम करने वाली जाली भी लगी हुई है, यानी कि हम इसे इंडक्शन पर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये साइड तो बिल्कुल पहले के साइड जैसी है और इधर भी इन्होंने वही सब सेम ही लिखा है जो इसकी दूसरी साइड पर लिखा हुआ था। तो दोस्तों, अब हम बिना देर किए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसे खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें किस तरह का प्रेशर कुकर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये इसकी टेप हटा लेते हैं। तो अब हम इसे खोलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बाहर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, रीड इंस्ट्रक्शन बिफ़ोर यूज़, आप इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड करें। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, वो हम आपको बता देते हैं। रिमूव ऑल स्टिकर्स फ्रॉम प्रेशर कुकर बिफ़ोर यूज़, यानी कि आप इसके सारे स्टिकर्स हटाकर ही इसे यूज़ करें। मोर हाइजीन कुकिंग, बॉयल 2 ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आप 2 ग्लास पानी के डाल के उसे उबाल लें और उसमें 2 टेबल स्पून लाइम जूस, यानी कि आप नींबू जूस के डाल के उसे अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद ही आप इसमें फर्स्ट टाइम कुकिंग करें। चेंज फ्यूज़ प्लग आफ्टर एवरी 6 मंथ, आप इसका जो फ्यूज़ प्लग है वो एवरी 6 मंथ चेंज ज़रूर कर ले, इससे आपका प्रेशर कुकर अच्छे से चलता रहेगा। वैसे तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप इसे ज़रूर चेंज कर ले, तो इसके बाद आपका जो प्रेशर कुकर है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो इस बॉक्स के इस दोनों साइड में ये इंपॉर्टेंस इन्होंने लिखी हुई थी, ये दोनों सेम ही है और जो हमने आपको रीड करके बता दी। तो अब हम इस बॉक्स में से प्रेशर कुकर को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने ये ऊपर की साइड में इसका लिड दिया हुआ है, यानी कि इसका ढक्कन दिया हुआ है, और नीचे इन्होंने ये प्रेशर कुकर दिया है और ये नीचे इन्होंने गास्केट दी है। तो हम इसे साइड में रखते हैं और सबसे पहले इसका लिड आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका लिड है, तो आप देख सकते हैं कि ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम इसमें यूज़ किया है। तो हम इसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हमसे नहीं निकल रहा, तो आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पर से इसका स्टिकर है जो हटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा इसका जो हैंडल है। तो अब हम आपको प्रेशर कुकर दिखा देते हैं। तो हम इस प्रेशर कुकर को भी पर्दे से बाहर निकाल लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, एक गास्केट इन्होंने इसके बीच में दी है और एक इसके साथ हमें पैकिंग में मिली है। अगर हमारी एक गास्केट ख़राब हो जाती है तो हम ये दूसरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो हैंडल है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और देखिए इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो इसके पीछे का हैंडल है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो इसकी बॉडी है बाहर से स्टेनलेस स्टील है लेकिन ये एलुमिनियम का बना है, और जो नीचे इसकी इन्होंने ये रिंग लगाई है जिससे हम इसको इंडक्शन पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि इंडक्शन पर यूज़ होने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन चाहिए होते हैं, इसलिए इन्होंने ये रिंग इसके नीचे लगाई है। लेकिन आजकल इंफ्रारेड इंडक्शन आ चुके हैं जिस पर सभी तरह के बर्तन यूज़ होते हैं, उसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप वो भी वीडियो चेक करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रेशर कुकर की लुक देख चुके हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।